हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम और नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ चिली पनीर रोल। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिली पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल मैदा लिया है, यानी ये 250 ग्राम मैदा है, और उसी बाउल से हाफ बाउल गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और एक छोटी चम्मच रिफाइंड तेल। इन दोनों चीज़ों को आटा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ डो तैयार करेंगे। हमें इसमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये डो है वो गीला हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका डो तैयार करेंगे। इतना आटा गूंथने में मैंने पूरा एक कप पानी डाल दिया है। तो ये देखिए, ये डो बनना शुरू हो गया है और इस डो को बनाने में मैंने एक कप पानी का यूज किया है। ये देखिए, एकदम स्मूथ डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। अब हम इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लेते हैं। मैंने पनीर को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। पनीर में 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग पनीर में चारों ओर से हो जाए। ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसे मैं हाथ से मिक्स करूँगी। इस तरह से मिक्स करने के बाद पनीर को 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इसके भी हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। और इसे एक बाउल में रख लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा पनीर भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है तो अब हम तेल में इस तरह से 1x1 पनीर के पीसेस डालेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। जब पनीर नीचे से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम पनीर को पलटेंगे। हम अभी पनीर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। थोड़ी देर पनीर को ऐसे ही सिकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पनीर का पीस नीचे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और सारे पीसेस हमें बहुत ही सावधानी से पलटना है और गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को फ्राई करना है। ये हमारे सारे पनीर के पीसेस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये पनीर के पीसेस गोल्डन ब्राउन मैंने इसलिए किए हैं कि जब हम इसे सॉस के साथ पकाएंगे तो ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन को गरम करेंगे और पैन के गरम होते ही 1 चम्मच बटर डाल देंगे। आप चाहें तो बटर की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें 2 छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर अदरक को हल्का सा भून लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा हरा लहसुन लिया है, अगर आपके पास हरा लहसुन नहीं है तो इसे स्किप कर दें।
लहसुन को हल्का सा भून लेंगे, साथ ही हम इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अदरक और लहसुन के साथ हरी मिर्च को हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही ये तीनों चीज़ें भून जाएं तो हमने जो शिमला मिर्च और प्याज काट कर रखी है इसको भी इसी में डाल देंगे। प्याज और शिमला मिर्च को 30 सेकंड के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। बस हमें इसको इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें आधा कप के लगभग पानी डालकर इसे हल्का सा पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस। सॉस को प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिक्स कर देंगे और 30 सेकंड के लिए पका लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। मिला देंगे। फ्राई किए हुए पनीर भी इसी में डाल देंगे। पनीर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि पनीर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। हम इसे एक साइड रख देते हैं और इसकी फिलिंग के लिए सैलेड भी तैयार कर लेते हैं। सैलेड बनाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है। इसको हम इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। जब हम रोल की फिलिंग सैलेड डालकर करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसे हम इस तरह से बीच से कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही मैंने ये 2 गाजर ली है और इसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे, 1 छोटी कटोरी स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी खट्टी मीठी सलाद बनकर तैयार है। इससे हमारे रोल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम रोल के लिए पराठा बना लेते हैं। इसके लिए हमने जो ये मैदा सेट होने के लिए रखा था इसे हम निकाल कर वापस एक बार गूंथ लेंगे। और हम इसके एक ही साइज की लोइयां बना लेंगे। तो ये हमने ये सारी लोइयां बना ली हैं। चकले पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और एक लोई लेकर इसकी मीडियम साइज की रोटी बना लेंगे। आप चाहें तो ये रोटी केवल मैदा से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। जब हम मैदा में गेहूं का आटा मिक्स करके रोटी बनाते हैं तो ये बेलते समय बिल्कुल भी खिसती नहीं है। मैंने इसीलिए मैदा के साथ गेहूं का आटा मिक्स किया है। ये हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। इसे हम प्लेट में रख देते हैं और सेम प्रोसेस से बाकी की रोटियाँ बना लेते हैं। ये हमने 2 रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको सेकेंगे। इसके लिए मैंने गैस ऑन करके तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा के गरम होते ही थोड़ा सा तेल हम तवा पर लगा देंगे। तेल लगाने के बाद तवा पर रोटी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। रोटी जैसे ही एक साइड से सिक जाएगी तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल और लगा देंगे।
ये हमारा रोटी का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे रोटी या पराठा कुछ भी बोल सकते हैं। और इसे पलट पलट कर तब तक सेकेंगे जब तक कि ये दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि ये पराठा हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकना है। अगर हम इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे तो हमारा ये पराठा कड़ा हो जाएगा। ये देखिए, हमारा ये पराठा दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है, यानी हमारा पराठा अच्छे से सेक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। अगर आप एक साथ बहुत सारे रोल्स बना रहे हैं तो सारे पराठे एक साथ सेक कर रख लीजिए, और जब रोल्स में स्टफिंग फिल करनी हो तो पराठा को गर्म कीजिए और स्टफिंग को भर दीजिए। मैंने इसी तरह से सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस की ओर। तो अब हम रोटी में स्टफिंग को फिल करेंगे। इसके लिए मैंने एक रोटी को गर्म कर लिया है और इसमें हम स्टफिंग को फिल करेंगे। रोटी के ऊपर सबसे पहले हम मेयोनीज सॉस लगाएंगे। इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से स्प्रेड कर देंगे। सॉस आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे। और हमने जो सैलेड बना कर रखी थी इसे हम पराठा के सेंटर में इस तरह से रख देंगे। अब इसके ऊपर हम चिली पनीर का मिश्रण रखेंगे। पहले हम इस तरह से पनीर के पीसेस रख देंगे। इसके बाद जो चिली पनीर का मिश्रण है उसको ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। और ये थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे, टोमेटो केचप डाल देंगे और इसको इस तरह से टाइट हाथों से रोल करेंगे। इसे एक टूथपिक से सेट कर देंगे ताकि इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। तो ये इस तरह से चिली पनीर रोल रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसी तरह से हम बाकी के चिली पनीर रोल रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ये चिली पनीर रोल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।